सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साउथ कोरिया के सियोल में भी एनआरसी और सीएए के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए भारतवासियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही लोगों ने कहा कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक शाहीनबाग और दूसरी जगह प्रदर्शन चलते रहेंगे। ऐसा होने लगा है कि भाई अब तुम जो है इस रिलीजन से आ रहे हो या उस रिलीजन से आ रहे हो, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ें जो शुरुआत आई हैं सीए और एनआरसी की, ये सिर्फ इसलिए लाई गई है ताकि हम दूसरे मुद्दों से भटक जाएं, और इनका कोई वो नहीं है। एक ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हो गया है गवर्नमेंट में और आवाम में वो बना रहेगा, और जो उन्होंने वहाँ पे किया, परेशानी इनके साथ ये है कि जब इनको असम में जो है इनके मूड के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, अगर 15 लाख मुस्लिम आए होते तो फिर वो सीए की ज़रूरत महसूस नहीं करते, एनआरसी से इनका काम हो गया होता। लेकिन चूंकि उनसे इनका जो है वहाँ के मुसलमानों की 5 लाख निकले, 15 लाख या 4 लाख कह लीजिए, 15 लाख हिंदू निकल गए, तो ये खुश नहीं है। ये देश में जो है ना नफ़रत का माहौल बनाना चाह रहे हैं।